सो गाइस, आज हम आपको अपनी सिटी दिखाने वाले हैं। तो ये सारे हाउसेस हमने बनाए हैं खुद से। सो इस घर में स्विमिंग पूल भी है और ये अपार्टमेंट है एक। देयर इज पार्क, पार्क भी है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और गाइस, यहाँ पे एक मैगडी है जो मैंने बनाया है अपनी मेहनत से। ये पूरा अकेले मैंने बनाया है, बस इन्होंने अंदर से डेकोरेशन की है। डेकोरेशन बहुत अच्छी है। और ये एंट्री गेट है और यहाँ पे एक इंडी शॉप है, ग्रोसरी शॉप। दिस इज इन सबको बनाने में बहुत देर लगी है, तभी हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि इनको बनाने में पूरा एक साल लग गया है। इसलिए एक लाइक करना, इसी बात पे लाइक ठोको। तो यहाँ पे आप खाते वक्त अच्छा सा व्यू ले सकते हैं, और अगर गिर गए तो इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे देख सकते कितना सारा सेटिंग एरिया है। सेटिंग एरिया सिटिंग, और ये एक बैलून स्टैंड है। तो ये एक अपार्टमेंट था। चलिए इस घर के अंदर चलते हैं। सो गाइज दिस इज अ लिविंग एरिया। यहाँ पे बुक शेल्फ है और एक ये रूम नंबर 1 है। एंड यहाँ पे पार्टीशन करके हमने एक ड्राइंग रूम बनाया। एक छोटा सा टीवी है इधर, और ये डाइनिंग एरिया है। ये पता नहीं तो वो रेडियो था। और यहाँ पे आप अच्छे से व्यू एंजॉय कर सकते हो। कमेंट करके बताना कि किसे किसे स्विमिंग पूल में नहाना है और ये आइसक्रीम खानी है। अब तो ऊपर चलते हैं। तो गाइस, पार्टीशन करके यहाँ पे एक और रूम है। यहाँ पे स्टडी टेबल है और इस तरफ हमारी बालकनी है, जहाँ से आपको बहुत सारे घर देखने को मिलेंगे। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं दूसरे रूम में, और ये सिक्योरिटी रूम जैसा लग रहा है, पर अभी ये गेमिंग रूम बन रहा है। और ये है एक रूम जहाँ पे डंबल भी रखा है एक, और ये रूम नंबर 3 हो गया। एंड अब चलते हैं नीचे नेक्स्ट घर के अंदर। तो आप कमेंट करके बताना आपको ये घर कैसा लगा। अब हम चलेंगे इस वाले के अंदर। पहले हम आपको मिडनाइट में दिखाते हैं कितना सुंदर लगता है। एकदम भूतिया लग रही है। सो दिस इज आवर सिटी लुक इन मिडनाइट। यहाँ पे वुल्फ रात को वैम्पायर बन जाते हैं, और हमारी सिटी वुल्फ वैम्पायर नहीं बनते। फिर क्या बनते थे? तो अब जल्दी से सुबह करते हैं और दूसरे घर में चलते हैं। हम अब चलेंगे इस ब्लैक वाले रूम में, घर में। तो चलिए अंदर चलते हैं। हम बालकनी से आ गए सीधा एंट्री करके, और यहाँ पे 2 बेडरूम है, और ये स्टडी टेबल है, ये लैपटॉप, और इधर है बड़ा सा बाथरूम। अरे छोड़े। तो यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है, और इधर हमें मिलता है यहाँ पे इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड भी है वहाँ। और ये एक और रूम है, यहाँ पे बेडरूम है, और ये एक बड़ा सा स्पेस। यहाँ पे गेमिंग रूम है जो मैंने खुद डिज़ाइन कर अपने आप से, और यहाँ पे हमने यूट्यूब का प्ले बटन लगाया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और बालकनी है। बैक साइड आ गए हम, और ये अब चलिए नेक्स्ट हाउस में चलते हैं। ये वाला घर मेरा फेवरेट है, और आप कमेंट करके बताना कि आपका कौन सा घर फेवरेट है। तो क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा गार्डन है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। एक सेकेंड, ये जानवर कहाँ से आ गया? हेलो, वुल्फ आ गया है, हम इसको भगा देते हैं। भाग गया। सो चलिए, ये इतना बड़ा गार्डन है और अंदर हम जाते हैं। तो यहाँ पे ये ड्राइंग रूम है, ये थोड़ा इंडियन हाउस टाइप है लुक इसकी। हाँ, इस साइड जाएंगे तो हमें एक
सिंपल सा रूम मिलता है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी है, यहाँ पे कपड़े रखे हैं, और ये बेडरूम है और ये छोटा सा वॉशरूम है। बहुत ज़्यादा छोटा है पर कोई। तो इधर जाते तो किचन है बड़ी सी, बहुत सबसे बड़ा इस घर में किचन ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे भी एक बड़ा सा बाथरूम है, देखिए कितना बड़ा है। ये डस्टबिन था जो हम तोड़ चुके हैं। और इधर से एक और बेडरूम है जहाँ पे बड़ा सा टीवी है और एक टेबल से गार्डन व्यू आ रहा है। हाँ अब चलिए हम आपको ऊपर वाले रूम में ले जाते हैं, उससे पहले हम नीचे बैकयार्ड दिखा देते हैं जहाँ पे कुछ खास नहीं, बस एक स्टोर रूम है। हाँ तो अब ऊपर चलते हैं। तो ऊपर का घर अभी कम्प्लीटली बना नहीं है, तो यहाँ पे एक किचन है जहाँ पे बहुत सारी ड्रॉर्स है। ये बालकनी है, बहुत बड़ी बालकनी है और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। हाँ एंड इधर एक रूम है जहाँ बड़ा सा टीवी और बेडरूम, बेड थोड़ा छोटा है, यहाँ पे गिटार भी रखा है। सो ये था एक घर और अब नेक्स्ट घर में चलते हैं। तो ये सर्वाइवल हाउस था जो हम क्रिएटिव मोड में बनाते हैं। यहाँ पे ये बड़ी ये मेरा फेवरेट है, अंदर से बहुत सुंदर है घर। हाँ और ये बालकनी जहाँ से आपको अच्छा सा व्यू मिलता है, और यहाँ एक और सिटिंग एरिया है, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक बेडरूम है, बस ये छोटा है थोड़ा। और बाथरूम में बड़ी बड़ी विंडोज लगा रखी है वैसे जंगल है कोई देखेगा नहीं। ये थोड़ा छोटा है बट बहुत ही अच्छा लगता है। और सब घर हम दिखा चुके हैं आपको, तो रात में हमारी सिटी कुछ ऐसी लगती है, मिडिल ऑफ द नाइट। और ये आइसक्रीम मैन भी है एक। तो चलिए अब इस अपार्टमेंट के अंदर चलते हैं। इसमें टोटल 4 फ्लोर्स हैं, तो पर अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। और ये और रूम कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं, इसमें आपको सांस लेने के लिए भी जगह नहीं है, मतलब किचन के सामने ही सीधा बेडरूम है, उसके सामने अपार्टमेंट ऐसी होते हैं, थोड़ी खौच पहुँच है बट ठीक है। सो सारे रूम फ्लोर्स और रूम सारे सेम ही हैं। तो जल्दी से पहले सुबह करते हैं, हम आपको सब दिखा ही चुके हैं, ये ग्रोसरी स्टोर भी दिखा दिया। और ये थी हमारी होल सिटी, और ये डोरेमोन हाउस तो हम आपको दिखाना भूल ही गए जिसमें पानी फैली है, मतलब आग लग गई थी इसमें, इन्होंने आग लगा दी थी और उसे बुझाने के लिए इन्होंने पानी फैला दिया था। तो अगर आपको पता से ठीक है से करना है तो कमेंट करके बताना, और कमेंट डाउन कि आपका फेवरेट हाउस कौन सा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।